हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी लर्नोपीडिया। कैसे आप सब? मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज के यानी 17 नवंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखेगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को भी अंत तक देखिए ताकि आपको नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिले और आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन और भी बेहतर तरीके से होती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली न्यूज़ से। आज की पहली न्यूज़ है, मैरी कॉम, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, गगन नारंग वर इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एथलीट्स कमीशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कमीशन बनाई है, एथलीट्स कमीशन। इसमें इन्होंने 10 लोगों को इलेक्ट किया है। 4 मेन पर्सनालिटी मैंने आपको ऊपर लिख के दिखाई है और मैरी कॉम जो है वो बॉक्सिंग से रिलेटेड है, पीवी सिंधु बैडमिंटन से, मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग करती है और गगन नारंग शूटिंग से रिलेटेड है। इन चारों के अलावा यहां पर 6 और मेंबर को जो है इलेक्ट किया गया है ये कमीशन में। 10 टोटल मेंबर है। बाकी 6 मेंबर के बारे में आपको बता दूं कि एक है विंटर ओलंपियन शिवा केशवान, टेबल टेनिस प्लेयर शरद कमल, विमेन हॉकी कैप्टन रह चुकी रानी रामपाल, फेंसर फेंसिंग खेलने वाली भवानी देवी, एक रोअर है इसमें बजरंग लाल और फॉर्मर शॉर्टपुट जो गेम होता है उनको पूर्व खिलाड़ी ओम प्रकाश सिंह करहाना। ये 10 लोगों को क्या किया गया है, एथलेटिक्स कमीशन में हिस्सा मिला है और इनमें से ही जो है ना ये 10 अपने अंदर से ही किसी को एज अ चेयरपर्सन या वाइस चेयरपर्सन चुनेंगे। इन अपने में से ही लोगों को चुनने का अधिकार है और इन्होंने 2 लोगों को एक्स ऑफिशियो मेंबर भी बनाया है, वो है पूर्व खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा और सरदारा सिंह। तो आप देखेंगे कि 10 लोगों को मेंबर बनाया गया है, 2 लोगों को क्या बनाया है, एक्स ऑफिशियो मेंबर। तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए कि 1927 में इसको फाउंड किया गया था। न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स है। सुमारीवाला ये जो है यहां पर क्या है, सुमारीवाला इसके प्रेसिडेंट है और सेक्रेटरी जनरल का नाम है राजीव मेहता। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, सुमारीवाला प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी जनरल है राजीव मेहता। चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं। अगली न्यूज है, घाना अज्यूम्स यूएन सेक्रेटरी काउंसिल प्रेसिडेंसी। घाना जो है अफ्रीकन नेशन है, इनने उन्होंने क्या किया, यूएनएससी या फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है इसकी प्रेसिडेंसी जो है अब अपने पास रख ली है और ये एक अफ्रीकन कंट्री के लिए हिस्टोरिक मोमेंट है कि यहां पर इन्होंने अगले 2 साल के लिए प्रेसिडेंसी ले ली है। ठीक है, और घाना का जो मेन मुद्दा है वो है वायलेंट एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म जो कि अफ्रीका में बढ़ रहा है, उनको इस चीज़ को डील करना है। उनके 2 साल में जो है सबसे मेन मुद्दा रहेगा कि उनको अफ्रीका में टेररिज्म को जो है वो डील करना है। ठीक है, घाना से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि घाना ने पहले यूएनएससी छोड़ दिया था, अब उन्होंने रीज्वाइन उसको इसी साल किया जनवरी 1, 2022 में और ये तीसरी दफा है कि घाना को नॉन परमानेंट सीट मिली है। यूएनएससी काम कैसे करती है, देखिए यूएनएससी में 15 मेंबर्स होते हैं जिसमें से 5 जो है आपकी परमानेंट सीट होती है, 10 जो है नॉन परमानेंट सीट होती है, इनमें से जो है एक घाना है। ठीक है, और ये 5 जो है ये परमानेंट रहेगी, ये बदलेंगी नहीं। ठीक है, और ये 5 कौन से होते हैं ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। तो तीसरी बार जो है नॉन परमानेंट सीट में कौन आई है, घाना आई है। एक बार 1962 से 63 में आई थी, फिर 2006 से 2007 के बीच में आई थी और अब 2022 नवंबर में फिर से ये नॉन परमानेंट सीट पे आ चुकी है। घाना से आपको पता होना चाहिए कि यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है नाना अकुफो अडो, यहाँ के कैपिटल का नाम है अकारा, यहाँ पे करेंसी जो है यूज होती है सेडी, घानियन सेडी। तो ऑफकोर्स घानियन तो नहीं देगा आपको पेपर में, नाम से आप समझ जाएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ सेडी देगा तो आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या यूएनएससी से आपको पता होना चाहिए कि 1945 में ये क्या है फाउंड किया गया था। ठीक है, वर्ल्ड वॉर के बिल्कुल बाद में इसको बनाया गया है 1945 में। सिक्योरिटी से मेन ये डील करता है, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के बारे में ये काम करता है। मेंबर कौन है, 15 नेशन है। मैं आपको बता चुका हूं कि 15 नेशन किस तरीके से काम करते हैं परमानेंट और नॉन परमानेंट सीट के साथ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए यूएनएससी, घाना और उसकी प्रेसिडेंसी से रिलेटेड। चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं। अगली न्यूज है, इंडिया ने कंडक्ट किया है, इंडिया कंडक्ट्स 3rd एडिशन ऑफ लार्जेस्ट नेशन वाइड कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विगल 2022। तो देखिए सी विगल 2022 का जो है 3rd एडिशन बनाया गया है। 2018 में इसको हमने पहली बार मनाना शुरू किया था और हमारा प्लान ये था कि 26/11 में जब क्या हुआ था, लोग समुद्र से आकर उन्होंने हमला किया था, तो हम लोगों को समुद्र को जो है सिक्योर करना है, हमारे जो कोस्टल एरियाज है वो हमको जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग करना है। तो ये एक पैन इंडिया मोमेंट है। पैन इंडिया मोमेंट का मतलब है कि सारे इंडिया में एक साथ ये मनाया जा रहा है। 15 और 16 नवंबर को इसको मनाया गया है। पूरे इंडिया की जितनी भी कोस्ट लाइन है 7516 किलोमीटर,
वहां तक इसमें जो है पार्टिसिपेट इन्होंने किया था, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद ये कंडक्ट कौन करवा रहा है, इंडियन नेवी करवा रही है, साथ में कौन है, इंडियन कोस्टल गार्ड। तो इंडियन नेवी के साथ है इंडियन कोस्टल गार्ड, और कुछ मिनिस्ट्रीज भी है जो इसके अंडर में आती है। सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये तो आने ही वाली है क्योंकि इंडियन नेवी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। साथ साथ होम अफेयर्स, पोर्ट्स एंड शिपिंग, वाटरवेज, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग और कस्टम डिपार्टमेंट जो है वो सब भी इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं इस साल। तो ये सब आपको याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में आपको बता दूं कि राजनाथ सिंह के पास ही मिनिस्ट्री है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो अजय है, अजय भट्ट, और डिफेंस सेक्रेटरी वो भी कौन है, अजय है, अजय कुमार। देखिए ये नाम जो है याद रखिएगा, अजय भट्ट, अजय कुमार। अजय भट्ट क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। डिफेंस सेक्रेटरी कौन है, अजय कुमार साहब। और यूनियन मिनिस्टर तो आपको पता है राजनाथ सिंह साहब है, बहुत सालों से हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है और बढ़िया काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं। अगली न्यूज है आपके लिए कि 2024 पेरिस ओलंपिक। तो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि 2024 में ओलंपिक्स कहां हो रहे हैं, जो है पेरिस में हो रहे हैं। पैरालंपिक्स जो है आपके जो क्या कहते हैं अपंग लोगों के लिए ओलंपिक्स होता है, पैरा जो है वो पैरालंपिक्स, वो कब, वो भी कहाँ होने वाले हैं, पेरिस में ही होने वाले हैं। वो ओलंपिक्स खत्म होने के बिल्कुल बगल में ही होते हैं, उसके बिल्कुल बाद में ही होते हैं। उन्होंने अपना मैस्कट जो है वो अनवील्ड किया है जिसका नाम है फाइजिस। देखिए आर यहां पर आप प्रोनाउंस नहीं करते, इसको प्रोनाउंसिएशन होता है फाइजिस। फाइजिस जो है क्या है, इनका मैस्कट है फाइजिस, यानी एक लाल कलर की टोपी जैसी चीज है। अगर आप गूगल करोगे तो आपको उसकी इमेज मिलेगी और बहुत सुंदर चीज है। ठीक है, 2024 में जो इनके प्रेसिडेंट रहने वाले हैं ओलंपिक कमेटी के, वो है टोनी, और उन्होंने ही ये क्या किया है, रिवील किया है कि हमारे जो मैस्कट रहेंगे वो कौन रहेंगे, फाइजिस रहेंगे। फाइजिस एक स्मॉल फाइजियन कैप है जो सिंबल है किस चीज की, लिबर्टी की, इंक्लूसिविटी की और एबिलिटी टू पीपल टू सपोर्ट ग्रेट एंड मीनिंगफुल कॉजेज। मतलब ये इस चीज को डिनोट करता है और इसलिए इसको बनाया गया है मैस्कट। और यहीं पर आपको मोटो अगर दिखता है पेरिस ओलंपिक का तो है अलोन वी गो फास्टर बट टुगेदर वी गो फर्दर। मतलब अकेले हम तेज जरूर चल सकते हैं बट अगर सब मिलकर साथ चलेंगे तो बहुत आगे तक या बहुत दूर तक हम लोग पहुंच सकते हैं। तो बढ़िया मोटो है, आप जीवन में भी इसको लेकर आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए पेरिस 2024 ओलंपिक से रिलेटेड। इस अभी तो इसमें और बहुत सारे चेंजेस आते रहेंगे, जब जब जो जो चीजें चेंजेस आपके लिए आएंगे मैं आपको वो आप तक पहुंचाऊंगा जरूर। ठीक है, चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं। अगली न्यूज है इंडियन हाइड्रोजन अलायंस, जिसको H2A ऐसा भी कहा जाता है, इंडियन हाइड्रोजन अलायंस। इन्होंने केरला गवर्नमेंट के साथ एक डील साइन करी है जहां पर इन्होंने बोला है कि हम कोची ग्रीन हाइड्रोजन हब ये बनाने वाले हैं कोची में। कोची ग्रीन हाइड्रोजन हब ये बनाएंगे कहां पर, कोची में, जिसका खर्चा देखो कितना आएगा, 575 मिलियन, 60 टन पर लीटर पर डे जो है हमको ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में जो है बनाना है। हमारा कैपिटल का एक्सपेंडिचर इसलिए कितना आएगा, 575 मिलियन यूएस डॉलर्स, इंडियन रुपीज नहीं। और इसमें जो है स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की कैपेसिटी कितनी रहेगी, 150 मेगावाट की ये जो रहेगी। और इस वजह से हमारी जो केरला की इकोनॉमी है वो ग्रीन और हाइड्रोजन इकोनॉमी की तरफ उसका ट्रांसफर होगा। इसको दो फेज में हम लोग मानने की सोच रहे हैं कि हम हाइड्रोजन का यूज कैसे करेंगे। दो फेजेस में हम लोगों को हाइड्रोजन का यूज करना है। पहला हम लोग ट्रांसपोर्ट फेज में यूज करेंगे कि जहां पर जीरो एमिशन हो और कार्बन डाइऑक्साइड ना मिले और जिस वजह से हमारे पोल्यूशन कम हो। दूसरा अगर इंडस्ट्रियल में डिमांड है ग्रीन हाइड्रोजन की, जैसे रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर और केमिकल प्लांट्स में जरूरत पड़ती है ग्रीन हाइड्रोजन की, तो उसका डिमांड हम पूरा करेंगे जब हमारा ट्रांसपोर्ट का पूरा हो जाएगा। तो मतलब फर्स्ट फेज ट्रांसपोर्ट के लिए रहेगा, दूसरा फेज इंडस्ट्रियल डिमांड के लिए रहेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ जुलाई 2022 में इंडियन हाइड्रोजन एसोसिएशन ने बोला था कि हम 25 ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट बनाएंगे और 5 हाइड्रोजन हब बनाएंगे। ठीक है, कहां कहां 5 बनाने वाले हैं, महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटका में, केरला में और आंध्र प्रदेश में। और डेडलाइन क्या दी है, 2025 तक हम बना के रेडी कर देंगे 5 हाइड्रोजन हब्स और 25 नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। तो ये 30 चीज टोटल करने वाली है कौन, इंडियन हाइड्रोजन एसोसिएशन। केरला से आपको पता होना चाहिए कि आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है यहां के, पी विजयन यहां के चीफ मिनिस्टर है और तिरुवनंतपुरम जो है यहां का कैपिटल है। अब तो याद हो गया होगा मेरे ख्याल से ये। चलिए
अगले इस पे चलते हैं। आपका दिन आ गया, देखिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे आपका दिन मना रहे हम लोग, 17 नवंबर आज ही के दिन आपका दिन हम मनाते हैं। और क्यों इस दिन मना रहे हैं, देखिए 1939 में जर्मनी में नाजी का अटैक होता है, ठीक है, प्रेग में जो कि शेस रिपब्लिक के अंडर में आता है। यहां पर जो है स्टूडेंट्स जो है बहुत ज्यादा तरीके से बढ़िया तरीके से एक्टिविटी में भाग लेते हैं और करेज अपना दिखाते हैं, यहाँ पर डरते नहीं है, नाजी अटैक का सामना बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं। और इस वजह से हम लोग 17 नवंबर जिस दिन ये अटैक हुआ था और एक जो है बहुत एक इंसान की मौत हो गई थी, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, तो 17 नवंबर जैन समथिंग उनका नाम था, ठीक है, इस वजह से जो है हम लोग ये मनाते हैं। 1941 में सबसे पहली बार हमने ये मनाना शुरू किया था, इंटरनेशनल स्टूडेंट काउंसिल जो कि लंदन में है उसने बोला था कि हम जो है इस मोमेंट को याद करते हुए 17 नवंबर को क्या मनाएंगे, इंटरनेशनल स्टूडेंट डे। इंटरनेशनल स्टूडेंट डे में जो है आपको अवेयरनेस फैलाना है उनके राइट टू एजुकेशन के बारे में और स्टूडेंट्स की राइट्स के बारे में और स्टूडेंट्स को क्या क्या राइट्स मिलनी चाहिए वो सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो ये है आपका दिन, याद रखिएगा 17 नवंबर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे। चलिए चलते हैं न्यूज इन शॉर्ट पे। जॉर्ज रसेल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यूके के है ये, बट इन्होंने जो है लिविस हैमिल्टन जो है बहुत बार के चैंपियन रह चुके हैं F1 रेस के, फॉर्मूला 1 रेस के, उनको इन्होंने हरा दिया है। कहां पर, ब्राजीलियन F1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 में। अभी मैंने आपको बताया था कि लुइस हैमिल्टन को जो है ब्राजील का ऑनररी सिटीजनशिप मिल गई है बिफोर ब्राजीलियन F1 ग्रैंड प्रिक्स और यहीं पर बट हार गए लुइस हैमिल्टन। देखिए कौन जीता है, जॉर्ज रसेल जीते हैं और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका फर्स्ट F1 फॉर्मूला विक्ट्री है और आई किसके विरुद्ध है, एक चैंपियन के विरुद्ध आई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके लिए नाम हो जाता है जॉर्ज रसेल। सीधा सीधा पूछेगा बताइए जॉर्ज रसेल कौन से खेल से रिलेटेड है, 4-5 ऑप्शन दे देगा, आपको पता करना है, ठीक है। माइकल कॉर्स, ये फॉसिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की एक वॉच की कंपनी है माइकल कॉर्स, इन्होंने अनुष्का शर्मा को क्या किया है, अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया उनकी वॉचेस के लिए, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं बट याद रखिए, ठीक है। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में एक नया नाम जुड़ रहा है, उनका नाम है विवेक जोशी साहब, ठीक है, विवेक जोशी जो है वो नए जो है आपके सेंट्रल बोर्ड में जुड़ रहे हैं आरबीआई के मेंबर में, आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में गवर्नमेंट ने यह अनाउंस किया है, ठीक है। उसके बाद नेशनल एपिलेप्सी डे, एपिलेप्सी जो है आपकी एक ब्रेन से रिलेटेड डिजीज होती है, न्यूरो डिजीज है आपकी, इसके खिलाफ जो है आपको जो है प्रदर्शन करना है और इसके अवेयरनेस में आपको क्या फैलाना है, लोगों तक ये बात पहुंचानी है कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, आप इसको हल्के में ना ले, इसके लिए आपको क्या क्या इलाज मिल सकता है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग अवेयर करने के लिए नवंबर 17 को नेशनल एपिलेप्सी डे मनाते हैं और नेशनल है तो ऑफकोर्स इंडिया में मनाते हैं। लास्ट न्यूज जो है वो आपके लिए है, वेटरन तेलुगु एक्टर एंड फादर ऑफ महेश बाबू गट्टमनेनी शिवा राम कृष्णमूर्ति, ठीक है, शिवा राम कृष्णमूर्ति नाम भी आप याद रखेंगे तो चल जाएगा, इनकी जो है मृत्यु हो गई है हैदराबाद तेलंगाना में, 79 ईयर्स के ये थे और ये महेश बाबू जो कि बहुत बड़े साउथ में नाम है एक्टर, उनकी उनके जो है फादर है, इनको जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वगैरह मिला है फिल्म फेयर साउथ में और ये बहुत अच्छा इन्होंने भी अपने जीवन में काम किया है, सिवाय महेश बाबू के पिताजी होने के अलावा भी इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, नाम इनका बहुत है, वेटरन एक्टर है, ठीक है, तो ये नाम आप याद रखेंगे। चलिए थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ, तब तक आप करंट अफेयर्स को रिवाइज करते रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमें कॉमेंट करके बताइए कि कैसे लग रहा है आपको ये वीडियो। थैंक यू सो मच।